एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़े, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मतलब चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने बताया था कि जब लाइट टकरा कर वापस आती है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट अलग अलग सरफेस से टकराती है। एक सरफेस होता है ओपेक, जैसे ये बोर्ड है, ये दीवार है, आप और मैं हैं। लाइट हम लोग से टकरा कर क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसलिए हम लोग इन सारी चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते। मैंने बताया था कैसे हम लोग चीजों को देखते हैं। तो किसी भी चीज को आप कब देख पाते हैं, जब लाइट उससे टकरा कर आपके आंख में क्या होती है, एंटर। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताया कि किसी भी चीज को देखने के लिए कम से कम उस ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट टकरा कर आनी चाहिए अपने आंख में, दो। क्योंकि मैंने बताया था अपनी आंख उसको वापस से पीछे ट्रेस करती है, जहां पर वो मिलती है वहां पर वो क्या बता देती है कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है। फिर हमने पढ़े थे मिरर के बारे में, हमने पढ़े थे कि मिरर भी एक टाइप का क्या है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, वो भी लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने देखे थे कि मिरर किस तरीके से बनाया जाता है, ग्लास के पीछे कोटिंग की जाती है सिल्वर या एल्यूमिनियम की, और सिल्वर और एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर एक और कोटिंग चढ़ाते हैं लेड ऑक्साइड की। फिर हमने देखे थे कि मिरर में इमेजेस कैसी बनती है, याद है प्लेन मिरर में मैंने बताया था कि इमेजेस जो रहती है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड इमेज रहती है, हम लोग का लेफ्ट वहां पर राइट, हम लोग का राइट वहां पर लेफ्ट शो करता है, याद है। हमने फिर देखे थे कि अगर दो मिरर को कुछ एंगल पर रख दिया जाए तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी अगर किसी ऑब्जेक्ट को उनके बीच में रखा जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे 360 अपॉन ए माइनस वन। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे कि एक ऑब्जेक्ट को पूरा मिरर के अंदर देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हमने पढ़े थे कि मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के हाफ होनी चाहिए, द हाइट ऑफ द मिरर शुड बी हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने इसके बाद कर्व मिरर स्टार्ट किया, हमने पढ़े थे कि मिरर जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रेट हो, मिरर कर्व भी हो सकता है। हमने पढ़े थे कि भैया जब हम लोग सर्कस वगैरह कभी जाते हैं तो वहाँ पे मिरर रूम होता है, मिरर रूम में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि भैया मैं कहीं पे मोटा दिख रहा हूँ, कहीं पे पतला दिख रहा हूँ, कहीं पे लंबा दिख रहा हूँ, कहीं पे छोटा दिख रहा हूँ, आप नहीं बदल रहे वहां पर। वो किसकी वजह से इमेजेस बदल रही है, मिरर की शेप की वजह से। बहुत बार ना हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं ना बच्चे, तो वहां पर देखो ट्रायल रूम रहते हैं, आपने कोई जूता खरीद लिए या आपने कोई शर्ट खरीद ली, ठीक है, आप शर्ट खरीदते हैं, देखो मिरर रूम में मिरर में जाके देखते हैं वहां पर ये अच्छी दिख रही है, ले लेते हैं। आपको पता है वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है, एकदम छोटा नहीं, ऑब्जेक्ट को कैसा दिखाता है, अब आप प्लेन के देखते हो तो आपको स्लिम और प्लेन दिखाता है, हालांकि आप मोटे हैं बट मिरर में कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कोई दो राय नहीं है बट मिरर में उसको और अच्छा बना दिया, आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, बट वही चीज आप बाहर घर पे ट्राई कर रहे हैं, वही सवाल लुक नहीं आ रहा जैसा मेरे वहां पे दिख रहा था, कमाल किसका है, मिरर का, समझ आ रहा है। तो मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दो टाइप के मिरर मैंने बताया था, ये कॉनकेव केव बना रहा है, तो लाइट अगर यहां से टकरा दी है तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, और ये वाले साइड से टकराएगी तो कॉन्वेक्स है, याद आया कि नहीं, बताया था ना, कॉनकेव, केव जहां बनती है उसको कॉनकेव बोलते हैं, उसके अपोजिट वाली को कॉन्वेक्स बोलते हैं। फिर हमने देखे थे कुछ टर्म्स, हम लोग पढ़े थे कि भैया अपना जो मिरर है वो किसी स्फीयर का क्या होता है, हिस्सा होता है, तो भैया स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर होगा, स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा, तो उसको बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस होगा, उसको बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपने मिरर के सेंटर को हम लोग पोल बोलते थे, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन जो पास होती थी उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, और अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो टकराने के बाद, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं क्या करती है, कट करती है, जहां पर भी कट करती थी इसको क्या बोलते थे, फोकस, उसको क्या बोलते थे हम लोग, याद होगा मैंने बताया था कि क्यू लाइट एक पॉइंट पर आकर मीट होती है, डायग्राम दोनों का बना के भी सिखाया था आप लोगों को, इसीलिए हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर रखा, सारी लाइट को वो क्या करता था एक ही पॉइंट में लाकर मीट करवा देता था, और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या रखे थे उन्होंने, डाइवर्जिंग मिरर, क्या रखे थे बच्चे को याद आ रहा है कि नहीं, एक लास्ट चीज और पढ़े थे इसके अंदर, फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, फोकल लेंथ, याद आया आप लोग को लास्ट लेक्चर में, यहां तक कि हम लोगों ने डिस्कस की। अब बात करते हैं आगे से,
ध्यान से देखिए जो बच्चों, अब हम लोगों को ना पढ़ना है, रेड आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेंथ स्टैंड में वापस से आएगा, तो उसको ध्यान से देखिए। अब रे डायग्राम क्या है? बेसिकली रे डायग्राम में हम लोग एक टेबल में कुछ वैल्यूज को फीड करते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, डायग्राम अगर याद होगा तो मैंने बताया था कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। हम लोग किसको पढ़ते हैं? रियल इमेज। अरे याद आ रहा है कि नहीं? ये सब पढ़े थे लोग, रिविजन करके आया करो गधे लोग, तुम लोग कुछ पढ़ कर नहीं आते हो, बैठ के मेरा मुंह देखते हो, ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूँ। हर बार जब बोलो एक ही पढ़ाया, वो क्लास भी पढ़ाया था ना, तो रिविजन करके आना चाहिए आप लोग, वरना सब भूल जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका, फायदा क्या? मैं पढ़ाते जाऊं तुम लोग घूमते चले जाओ, छोटे बच्चे भी हो ना कि बार बार समझाया जाए, ये चीज नहीं सीखना तुम लोग, पढ़ के आया करो घर से, मालूम रहता है कि लेक्चर पहले से आपको पता है कि आज किसका लेक्चर, तो रिवीजन करके आए करो कि लास्ट लेक्चर में सबने क्या पढ़ा। आपको ये याद नहीं मैंने लास्ट लेक्चर में कहाँ खत्म किया था? मैं 10 बैच में पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोग 10 बैच में तो नहीं बैठते, मेरे को अलग अलग बैच में पढ़ाना है, कहीं आगे कहीं पीछे चलता है, तुम लोग को तो पता होना चाहिए, वो भी नहीं तुम लोग को पता है। पढ़ क्या करो अगली बार, कोई कोई फायदा नहीं है, मतलब ही नहीं, आउटपुट ही नहीं निकले। मैं बोल रहा हूँ तुम लोग पीछे से भूल जाओगे, अभी खड़ा करके किसी भूल गई भैया कि रियल और वर्चुअल कैसे पता करते हैं, मालूम ही नहीं। लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे रियल इमेज किसको बोलते हैं, अगली बार से मैं आते साथ पहले क्वेश्चन आंसर पूछूं, उस पर वो भी कड़ाई है, उसके बाद पढ़ लिया। तो रे डायग्राम बेसिकली हम लोग को ये बताता है कि हम लोग जब अलग अलग डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ और कैसी बनती, उसकी इमेज कहाँ और कैसी बनती, ये कौन बताता है बच्चे? तो रे डायग्राम हम लोग को बताया, सही बात। अब हम लोग रे डायग्राम किसके लिए ड्रॉ करेंगे? कॉन्केव मिरर किसके लिए ड्रॉ करेंगे? क्योंकि कॉन्केव मिरर कौन सी इमेज बनाता था? रियल इमेज। तो हम लोग किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? कॉन्केव, क्योंकि कॉन्केव में ही ना सारी लाइट कहीं ना कहीं मीट होती है, कॉन्वेक्स में तो मीट ही नहीं होती, तो वहां तो वर्चुअल इमेज बनना है, रियल जहां बनना है तो उसको डिस्कस करना है। हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है, कैसी बन रही, बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, रियल है कि वर्चुअल है, ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नोटिफाई करेंगे। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मिरर लेकर आया था तो मैंने आपको बताया था एक में सीधी इमेज बन रही थी और एक में उल्टी, हमने बताया था ये जो सीधी इमेज दिख रही है नकली है और ये जो उल्टी इमेज है ये कैसी है? असली है। मैंने बताया था रियल इमेज आपको हमेशा कैसी दिखती है? उल्टी दिखती, इन्वर्टेड दिखती। स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से देखो। बट रे डायग्राम को पढ़ने से पहले ना मतलब तीन रूल है, ये रूल आपको समझना पड़ेगा, आप जब तक ये रूल नहीं समझोगे आप रे डायग्राम नहीं समझ सकते। सो मेक श्योर कि पहले आप क्या समझ लें? रूल समझ लें। रूल नंबर वन क्या है? बड़ा सिंपल है कि मान लो कि अपना कॉन्केव मिरर है, इस साइड कोटिंग किया तो कौन सा मिरर हुआ बच्चे? कॉन्केव मिरर, ठीक है। और ये अपना पोल है, ये अपना फोकस है और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, क्या रखा यहां पर? ऑब्जेक्ट को हम एरो से इंडिकेट करते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं एरो, ये एरो क्या है अपना ऑब्जेक्ट, हमेशा 3D में बार बार बनाएंगे तो दिक्कत होगी ना, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में अब ऑब्जेक्ट को किससे दिखाएंगे? एरो से। याद है लास्ट से प्लेन मिरर में मेरे को बुक बनाना था 3D में तो कितना टाइम लगा था बनाने में समझाने में, तो इसलिए अब हम लोग क्या ले लेंगे? एरो लेंगे, एरो बोले तो ऑब्जेक्ट, तो भैया ये ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर वन क्या होता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस। कोई भी लाइट हो, कोई भी लाइट हो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो टकराने के बाद वो कहां से पास होगी? फोकस से पास, हमेशा। यही लाइट नहीं, और भी कोई दूसरी लाइट अगर मैं ले लेता हूं बच्चों तो वो भी टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस से पास, कहां से पास होगी? फोकस, समझे आप लोग? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, पहला रूल। दूसरा रूल इसी का उल्टा है,
लाइट देखो अपने रेसिप्रोकल को फॉलो करती है, अपने उल्टे को क्या करती है फॉलो करती है। यहां पे मैंने क्या बोला, पैरेलल थी तो कहां से पास हो रही थी, फोकस से। दूसरा रूल क्या होता है, अगर फोकस से पास होगी तो कैसी होगी, पैरेलल। फोकस से पास होगी तो कैसी होगी, सर मैं इसको भी ड्रॉ करके बता देता हूं। भैया ये बना दिया हमने, और ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी रहेगी, बच्चे लोग समझा। तीसरा रूल, अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, कहां से पास हो, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये मान लेते हैं कि ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो टकराने के बाद वो वापस से उसी डायरेक्शन को क्या करती है, फॉलो करती है। समझ आया, मतलब यहां पर आई टकराई, वापस उसी को क्या करती है, फॉलो करती। अब बच्चे लोग को यहां पर सवाल आता है कि ये दोनों का तो मैंने लास्ट टाइम केस बना के आपको समझाया था कि कैसे लाइट जा रही है, यहां पर ऐसा कैसे हो रहा है। सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लाइट जितने एंगल पर आकर टकराती है उतने ही एंगल पर क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। अरे याद आ रहा है, मैंने भी यहां पर अलग से ड्रॉ करके बताया था वो। तो सर यहां पर तो लाइट जब कुछ एंगल पर आई है तो टकरा कर वापस भी जाना चाहिए था कुछ एंगल पर, ये तो वापस उसी को फॉलो करते हुए चले गए, ये कैसे पॉसिबल। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैथ्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टेंजेंट, सुने हो ना, सर्कल के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके क्या करे, पास हो जाए। जैसे मान लो कि एक सर्कल है तो ये टेंजेंट टच है, ये क्या है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये अगर नहीं पढ़े तो पढ़ो भी, नाइन्थ में या टेंथ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, ठीक है, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। अब सर यहां पर ध्यान से, ये जो कर्व मिरर है बच्चे लोग, ये बेसिकली इनफाइनाइट लाइन का बना हुआ, सर्कल जो है बहुत सारी लाइन को मिला के बनता है ना, है ना। आप छोटी छोटी लाइन को ज्वाइंट करते जाओगे तो क्या बन जाए, सर्कल बन जाएगा। तो अगर मैं ये लाइट को देखूं तो ये लाइट भी तो किसी एक लाइन पर ही आकर टकरा रही होगी, हाँ है ना। तो अगर मैं इस लाइन को अगर टेंजेंट कंसीडर कर लूं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, अभी पढ़े हम लोगों ने। अब आपको बताओ अगर लाइन 90 पर आकर टकराई है 90 डिग्री पर, तो बाउंस बैक भी कितने पे हो, 90 डिग्री पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोलता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ। तो सर 90 पर आई थी इसीलिए 90 पर क्या होगा, चलेगी। अरे समझा कि तीनों रूल क्लियर है, चलो अगर पैरेलल है तो कहां से पास होगी, फोकस से। फोकस से पास होगी तो कैसी होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सर वही रास्ते को वापस से क्या कर लेगी, फॉलो करेगी, अपने डायरेक्शन को बदलेगी। समझ में आ रहा है, आया ना, लिख लो उसको, तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बनाते बच्चे लोग रेड आएगा, आपके बुक में देखो एक टेबल दिया होगा जिसमें वो ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखता है, बताता है कि इमेज यहाँ बन रही है, उसकी साइज बताता है मतलब बड़ी है या छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, और लास्ट में बताता है कि उसका नेचर क्या है। तो वो टेबल आपको याद तो करना है, बट हम लोग उस टेबल को रे डायग्राम के थ्रू बनाकर सीखेंगे, ठीक है। तो इस बिना से पहले समझो टेबल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर टेबल भी बना देता हूँ, साइड बाय साइड फिर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को बनाते जाएंगे और टेबल के अंदर फील करते, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहां बनने वाली है, तीसरा साइज ऑफ इमेज,
और चौथा है नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, छह केस भी आप देखो वन बाय वन सारे केस बनाते हैं। पहला केस स्टडी है बच्चे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, इंफिनिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट बेलन से बहुत दूरी पर रखा हुआ है। इंफिनिटी मतलब अनंत काल, जिसका कोई एंड ही नहीं है, है ना। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले, इंफिनिटी। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, अब मैं आपसे बोलूं कि भैया देखो कितनी बड़ी इमेज बन रही है, पॉसिबल है। अरे मैं बोल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है सर, वो यहाँ से जो हाजी मलंग का पहाड़ हम लोग को दिखता है, मैं बोला वो देखो बच्चे को वहां पे दो आदमी जा रहे हैं, वो देखो पैराफोन की चप्पल पहना उसने, चलेगा? बोले सर आदमी नहीं दिखेगी, आपको चप्पल कहां से दिखेगी। सही बात है ना, बोलने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है। मैं तो ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाला हूँ, इंफिनिटी। तो देखते हैं कि उसकी इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। इतना तो सही बात है, बहुत छोटी बन जाए। लेट्स सी, पहला केस लेते हैं, ये अपना कॉनकेव मिरर है बच्चा लोग। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। ऑब्जेक्ट को मैंने कहा दिया इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर, मान लेते हैं फिलहाल ये इंफिनिटी है। ऐसे हम लोग को पता है मैं बोर्ड के बाहर भी चले जाऊं तो इंफिनिटी आने वाला। सही बात है ना, इंफिनिटी का मतलब ही जिसका कोई एंड ना हो। याद है लास्ट में मैंने बताया था हम लोग बाथरूम के अंदर मिरर जो रखते हैं वहां पर हम लोग इंफिनिटी को देख सकते हैं। याद है बार्बर की शॉप, मिरर के अंदर मिरर, मिरर के अंदर इमेज, के अंदर इमेज, इंफिनिटी। मेरा यहाँ पर भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि भैया ये हम लोग ने ऑब्जेक्ट को कहा रख दिए इंफिनिटी। तो हम लोगों ने तीन रूल पढ़े। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो वो कहां से पास होती है बच्चे लोग, फोकस। तो मैं एक लाइट यहाँ पर ले लेता हूँ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम लोग को पता है कि ये कहां से पास होने वाली है, फोकस। मैं इस लाइट को कहां से पास कर देता हूँ और यहाँ पर एक और लाइट ले लेता हूँ, ये भी पैरेलल है तो ये भी कहां से पास होगी। ये देखो दोनों लाइट कहां पर मीट हो रही है, मैंने बताया था टकराने के बाद जहां पर भी लाइट मीट होगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज। लाइट कहां मीट हुई है, मतलब इमेज कहां बन रही है, एट फोकस, कहां बन रही है चलो। और अगर ध्यान से देखो ये था मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज कैसी दिख रही है, पॉइंट। इमेज कैसी दिख रही है, तो साइन ऑफ इमेज में क्या आएगा, पॉइंट इमेज, क्या आएगा चलो, पॉइंट। अच्छा कोई बता सकता है ये रियल है या वर्चुअल है, कैसे वर्चुअल है? वर्चुअल के लिए मिरर के अंदर बननी चाहिए थी ना, क्या मिरर के अंदर बनी है, नहीं सर इस साइड है तो ये कैसी है, नहीं कैसी है चलो। ठीक है, अब जरा ध्यान से, अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब लेकर आ रहा हूं। पहले मैंने कहा रखा था उसको इंफिनिटी है, अब ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं थोड़ा करीब लेकर आ जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट करीब आएगा तो इमेज की साइज क्या होगी, बट सही बात है ऑब्जेक्ट का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी डॉट सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो सेकंड केस ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपना कॉनकेव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर हम लोगों ने रखे ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये पोल। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस एंड, और दूसरी एक लाइट ले लेते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस then after reflection it will be parallel to principal axis। अरे हाँ यार देखो यहाँ पर meet हो रहे, मतलब ये image बनी है ऐसी उल्टी बनी है कि नहीं, चेक करो। अब जब ऊपर की तरफ image कहाँ बनी, बोला था ना उल्टी बनी है हमेशा image। तो भैया object कहाँ पर था, center of curvature के पीछे, image कहाँ बनी सर, focus और center of curvature के बीच में। तो क्या कहेंगे, between focus एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे हाँ है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं बन रही है ना,
अच्छा साइज ऑफ इमेज क्या है, साफ साफ दिख रहा है सर ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, तो लोग क्या लिखेंगे डिमिनिश या स्मॉलर भी लिख सकते, कुछ लोग के बुक में स्मॉलर भी लिखा होता है, स्मॉलर लिख देता ठीक है, छोटी इमेज है, अभी भी रियल है, मिरर के अंदर बनी है क्या नहीं सर, तो कैसी इमेज है रियल, कैसी इमेज चलो बट अगर ध्यान से देखो उल्टी बनी है, ऑब्जेक्ट ऊपर था इमेज क्या है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड का मतलब उल्टा, तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा इनवर्टेड, पहले क्यों नहीं लिखा था, पहले इसलिए नहीं लिखा था बच्चों कि पॉइंट ऊपर है या नीचे, ये कैसे पता चले, पॉइंट टू पॉइंट होता है तो आप उस लाइन पर बोल सकते थे सर आपको कैसे पता चल रहा है कि वो इनवर्टेड है, पॉइंट तो ऊपर भी जा सकता है, पॉइंट है ना वो खाली, बट इस रूल से समझना है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा भी करीब लेकर आएंगे एक छोटी सी इमेज बनेगी मगर कहां इसीलिए मैंने क्या लिख दिया इनवर्टेड, अरे समझा कि नहीं भाई, दो रूल क्लियर, दो रेड आएगा, ये रटने की जरूरत है क्या, चलो कहां से लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, इसको बनाकर मैं उसमें फीड कर रहा हूं तो रटना नहीं, तीसरा केस लेते हैं ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर आते, पहले इंफिनिटी पर रख दिए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिए, अब क्या रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते सर, लेट्स सी ये पोल है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना ऑब्जेक्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, एंड इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हां है बच्चों सही बात है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी, और अगर कोई लाइट फोकस से पास होगी तो टकराने के बाद वो कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी कहां बनी है सेंटर ऑफ, चेक कर लो भाई कहां बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट कहां है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी कहां बनी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी मतलब सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज साइज बात है ना, ऑब्जेक्ट करीब आते जा रहा है तो उसकी साइज बढ़ती जाएगी, पहले पॉइंट दिख रहा था फिर थोड़ा छोटा दिखा, अब किसके बराबर हो गया ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, मतलब अब अगर और आगे लिख रहा हूं तो अब ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा बड़ी हो जाएगी, ठीक है भैया अभी भी नेचर देखो रियल है ना बच्चों, अरे लेफ्ट साइड में तो कैसा है रियल है और उल्टी बनी इसीलिए क्या बोलेंगे उसको सही है, कोई दिक्कत, चौथा केस लेते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस वाले केस को ध्यान से देखो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था तो इमेज क्या बनी थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूंगा तो इमेज क्या बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मैंने बताया था लाइट फॉलो द थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल, अपने उल्टे को क्या करती है फॉलो करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा तो इमेज क्या बनी थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो सर अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बहरहाल हम लोगों को पता है फिर भी हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया उसका, लेट्स चौथा केस लेते हैं, ये पोल है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां रखे हम लोगों ने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट्स सी रूल नंबर 1, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, आया, एंड इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां मिल रहा है ये बनी इमेज बच्चा लो आया ना बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यही बोल रहे थे ना हम लोग कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो इमेज कहां बनी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, चेक करो इमेज बड़ी है ना इस बार, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज, तो क्या लिखेंगे मैग्नीफाई इमेज, मैग्नीफाई लिखो या लार्जर लिख दो आपकी मर्जी, बुक में मैग्नीफाई भी यूज करता है लार्जर भी यूज करता है, क्लियर कोई दिक्कत, अच्छा नेचर कैसा बताओ, नेचर बताओ उसका
क्लियर है? yeah. उल्टी बनी है तो इनवर्टेड है, तो क्या लिखेंगे? रियल एंड अरे समझ में आ रहा है ना, रियल और इनवर्टेड कैसे बोल रहे हैं? उल्टी दिख रही है, इनवर्टेड है, सेम साइड पे बन रही है, इसीलिए क्या है? क्लियर है? इस साइड आ रही तो क्या बोलते इसको? वर्चुअल। क्या बोलते इसको? पांचवा केस लेंगे। देखो ऑब्जेक्ट को हम और करने के लिए कराना है ना, अब कहां रखेंगे उसको? फोकस पे। सर पहले इंफिनिटी पे रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अब कहां रखते थे उसको? फोकस पे। तो पांचवा केस लेते हैं, अब जो कहां रखते हैं? फोकस पे। जाहिर सी बात है वो और करीब आया तो इमेज और बड़ी बनने वाली होगी, हाँ है ना बच्चों? ऑब्जेक्ट को कहां रखे हम लोगों ने? एकदम ध्यान से सुनो, देखो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी? तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हुआ तो इमेज कहां बनी? सही है ना? लेट्स बना लेते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फोकस। सही बात है, अगर पैरेलल तो कहां से पास होगी? देखो हम लोग दूसरी लाइट कहां से लेते थे? फोकस से। दूसरी लाइट को कहां से पास करवाते थे? फोकस से। बट सर ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़े रहे कि फोकस से तो लाइट को पास नहीं कर सकता। तो इस बार तीसरा वाला केस लेते, अब लाइट को कहां से पास करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास करते हैं? अब सर याद अगर मैं इस लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूं तो उन्होंने पढ़े थे ना वो अपने डायरेक्शन को बदलने वाली है कि नहीं भैया? ऐसी चली जाएगी। ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइट कैसी है? पैरेलल लाइन मीट करती है कभी? पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। या मैं क्यों बोलूं पैरेलल लाइन मीट एट इंफिनिटी? अरे आया ना, पैरेलल लाइन कभी मिलती है क्या? नहीं। मैं बोल रहा हूं पैरेलल लाइन कहां मिलेगी? इंफिनिटी। आप बोलोगे सर इंफिनिटी की तरह बनाओ, कहीं नहीं। अरे समझे कि नहीं? दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, दे आर पैरेलल। पैरेलल मींस बोलो कहां मिलने वाले? इंफिनिटी पे। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने इसको इन्फिनिटी मान लिए थे, एग्जाम्पल इसको हम लोगों ने क्या मान लिए थे? यहाँ पर इन्फिनिटी था, ऐसे मान लेते कि यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये दोनों लाइट आके मिल गई। फॉर एग्जाम्पल सपोज लोग पता है इन्फिनिटी होता नहीं है, बट डायग्राम समझाने के लिए मान लो यहाँ इमेज अपनी ये जो दोनों लाइट है यहाँ आकर क्या हुई? मीट हो गई। तो भैया अगर मैं यहाँ पर इसको प्राइस स्विंग करूँ तो ये मेरी इमेज बनेगी, हाँ है ना? अच्छा चेक कर लें, अभी भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में इमेज भी लेफ्ट में, मतलब कैसी है? रियल। कैसी में चलो उल्टी बनी है तो कैसी है? इनवर्टेड। और देखो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इस बार इमेज बहुत बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट इतना सा इमेज इतना बड़ा है, मतलब हाईली मैग्नीफाइड। कैसे में चलो? या वेरी लार्ज भी लिख सकते आपकी मर्जी, कोई दिक्कत? पांचों केस समझ में आ गए, छठा केस लेंगे लास्ट केस। अब ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आएंगे? सर फोकस पे तो रखे चुके थे, पोल पे रख देते क्या? पोल पे रख सकते, कांच के अंदर किसी को रख सकते नहीं सर। बहुत ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? पोल और फोकस के बीच में यही करोगे ना। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे? बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, लेट्स सी इसका केस क्या बनता है। ध्यान से देखो सर, ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना कॉन्केव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर? फोकस और पोल के बीच में। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सही बात है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो कहां से पास होती है? उसी डायरेक्शन को क्या करती है? कंटिन्यू करती है। सही बात है। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों आपको दिख रहा है दूर जाते हुए, मतलब अगर मैं लोगों को नीचे लेकर आऊं तो सही तो कभी मिलेगी ही नहीं, हाँ है ना? इस साइड मिलेगी नहीं, बट सर अगर उधर एक्सटेंड करे तो नहीं मिलेगी। जैसे यहां पर अगर खींच के लेकर आओ, यहां पर मिल रहे बनी इमेज, अरे हाँ है ना? बट इस बार इमेज वर्चुअल है। कैसे हो चलो? तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को कहां रखे थे? पोल और फोकस के बीच में। इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। कहां बनी बच्चों? बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और अभी भी चेक कर लो, ऑब्जेक्ट छोटा है,
इमेज मतलब कैसी इमेज है? मैग्नीफाइंग। कैसी इमेज है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही कुछ हम लोग अपने शेविंग मिरर में यूज करते हैं। शेविंग मिरर देखिए, उसमें इमेज बड़ी बड़ी दिखती है। कॉनकेव मिरर छट्टा वाला केस यूज करते हो, मिरर को हम लोग ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि वो एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज हम लोग को बनाकर देता है। वो भी कैसी? सीधी है ना, नीचे वाली है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल। कैसी है? एंड इरेक्टेड। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब क्या है? चलो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? शेविंग मिरर जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? वो यही वाला केस यूज करता है, बाकी नहीं। कौन सा केस यूज करता है? सिक्स्थ वाला। समझ में आया कि नहीं बच्चा? पक्का? ये टेबल रटने की जरूरत कहां से भरे? समझ में आ रहा है? रे डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे और टेबल बनाओगे, और यही सेम टेबल हम लोग लेंसेज के लिए पढ़ेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा बहुत बदलाव रहेगा। लिख लो उसको। देखो बच्चे, हम लोग अभी रे डायग्राम पढ़ ली। कॉनकेव का इसलिए पढ़े क्योंकि कॉनकेव रियल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल। हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है, मतलब उसमें इमेज हमेशा क्या बनेगी? छोटी। ऑलवेज रिमेम्बर, आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, इमेज हमेशा कैसी बनने वाली है? छोटी बनने वाली है। और कैसी बनने वाली है? वर्चुअल। कैसे बनने वाली है? वर्चुअल। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बहुत सारी जगह पर यूज। अभी मैंने शेविंग मिरर वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। हम लोग अपने गाड़ी के साइड ग्लास में देखते हैं, मैंने बताया था ना वहां पर भी क्या लिखा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो उस पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट सी नियरर देन दे अपीयर। देखियो मैं लिख रहा हूं, दिखाता हूं आपको। ऑब्जेक्ट्स, देखो अगर ध्यान से देखो लिखा है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अब इसमें देखो हम लोग सब देखें, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा बनेगा? इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इसमें छोटी ही बनेगी। इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इसमें छोटी। आप कहीं पर भी रखो, वहां पर पढ़े थे ना ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन पर रखने पर इमेज की अलग अलग साइज मिलती। इन्फिनिटी पे था तो पॉइंट इमेज मिल गई, फोकस पे था तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिल गई। यहाँ पर इमेज हमेशा कैसी बनती है? छोटी। तो हम लोग गाड़ी के साइड कार में कौन सा मिरर यूज करें? कॉन्वेक्स मिरर। अपने शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। ऐसी डेंटिस्ट डॉक्टर लोग जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह पर हम लोग कॉनकेव, और जैसे मैंने शोरूम का एग्जाम्पल दिया वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में हम लोग अलग अलग टाइप के मिरर क्या यूज करें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन 10th में भी आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। साइन कन्वेंशन से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको प्लस लेना और किसको माइनस लेना। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो। मान लो बच्चों आप कुछ नया नहीं है, बस पुरानी चीजें आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पढ़ी है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव एक्स। मान लो कि मैं यहां पर अपना मिरर लूं, मतलब अपना जो ओरिजिन है वही अपना पोल मिरर, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि कोई भी चीज का डिस्टेंस जब लेफ्ट में मेजर करेंगे तो वो क्या लेंगे? माइनस, और राइट में लेंगे तो उसको क्या लेंगे? प्लस। किसी भी चीज को ऊपर जब देखेंगे, ऊपर किसके लिए देखते हैं? हाइट के लिए। अरे वाई एक्सिस में कब देखते हैं आप? हाइट जब बोलते हैं तो ऊपर या नीचे देखते हैं ना,
डिस्टेंस बोलते हैं तो लेफ्ट या राइट में देखते हैं। तो अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो प्लस लेंगे, नीचे देख रहे तो मतलब अगर किसी ने ऊपर की तरफ बना दिया है तो उसकी हाइट क्या आएगी प्लस, नीचे की तरफ बना दिया तो उसकी हाइट क्या आएगी माइनस। लेफ्ट में तो डिस्टेंस किसमें आएगा माइनस में, राइट में तो डिस्टेंस किसमें आएगा प्लस। बस ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। मान लो बच्चे लोग कि ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपनी इमेज है और ये अपना फोकस है। कॉन्केव मिरर में तो फोकस यहाँ बनता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है तो फोकस यहाँ बनता है। याद है कॉन्केव में फोकस लेफ्ट में होता है, कॉन्वेक्स में फोकस राइट में होता है। मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चे लोग इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? यू का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसी मिरर से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, उसको लिखते हैं वी से। किसे लिखते हैं बच्चे लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस। ऐसी ऑब्जेक्ट और इमेज की कुछ हाइट भी होती है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है ना। देखो जब हाइट की बात होगी तो कहां देखेंगे? वाई एक्सिस। डिस्टेंस की बात होगी तो कहां देखेंगे? एक्स एक्सिस। तो भैया ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग H1 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चे लोग? H1 बोले तो ऑब्जेक्ट हाइट और H2 बोले तो इमेज हाइट। H2 बोले तो बच्चे लोग हाइट ऑफ इमेज। ऐसी पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? सही है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो रहेगा उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की हाइट को h1, इमेज की हाइट को h2 और फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम लोग लिखने वाले प्लस और माइनस। अब आपको बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेफ्ट में ना। ऑब्जेक्ट कहां पर है तो उसके डिस्टेंस को किस पे लिखेंगे? अभी मैंने बताया जो भी चीज लेफ्ट में रहेगी उसके डिस्टेंस को किस पे लिखेंगे? माइनस। तो कोई बोलेगा हाँ एकदम चुपचाप बैठे रहता है मुंह बंद करके, ऐसे रहता सीधी है ऐसे तो बड़ा बोलते रहता है। यू क्या है बच्चे लोग? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है इसीलिए उसके डिस्टेंस को किस पे लिखेंगे हम लोग? क्वेश्चन में माइनस बोलता नहीं है, या आपको डिसाइड करना। हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, मतलब वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो उससे लेना देना। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा और कैसा रहता है? अपवर्ड। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा? माइनस। इमेज इमेज भी कहां है? लेफ्ट में। तो उसको भी किस में लिखेंगे? माइनस। एच वन हाइट है ना, हाइट को कहां देखते हैं? ऊपर या नीचे। एच वन बोले तो ऑब्जेक्ट की हाइट, ये ऑब्जेक्ट था ऊपर की तरफ है इसके लिए इसकी हाइट किस में आएगी? प्लस। इमेज कहां पर बनी है तो उसकी हाइट किस में आएगी? फोकल लेंथ सर लेफ्ट में ना, तो किस में आएगा? माइनस में। प्लस में? माइनस में ना। अरे लेफ्ट में ना भाई, तो माइनस में ही आएगा ना। मैं तुम्हारे देखो अभी क्या जल्दी से पलटते कि नहीं नहीं देखो प्लस है नेगेटिव ही रहेगा ना। लेफ्ट में तो क्या रहेगा? माइनस रहेगा। अच्छा अब मैं एक केस बना रहा हूँ, आप लोग बताओगे कि प्लस हो या माइनस। ध्यान से देखो सब। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। छठा वाला केस पढ़े थे ना, ठीक है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस नू या माइनस? माइनस लेंगे ना लेफ्ट में, ऐसा इजीली क्या लेंगे? इमेज क्यू प्लस राइट साइड। वेरी गुड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस। हाइट के लिए क्या देखते हैं? वाई एक्सिस। हाइट के लिए क्या देखते हैं? कहां पर है ऑब्जेक्ट तो क्या है? एच टू क्यू माइनस। अरे हाइट के लिए ऊपर देखते हैं ना, ऊपर या नीचे, तो ऊपर है ना ये भी, तो किस पर आएगा? अच्छा हम लोग पता है कि क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकस तो यही होगा, तो फोकल लेंथ क्या लिखूं? लेफ्ट में ना, तो किस में आएगा? अरे समझा कि नहीं? क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस बोलता नहीं, ये आपको डिसाइड करना है कि वो प्लस होगा या क्लियर है? चलो साइन साइन क्लियर, किसको क्या बोलते हैं समझ में आ गया।
देखो इस चैप्टर में दो फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले का ना हम लोग को प्रूफ नहीं है कि वो कहां से आया है, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। आपको डायरेक्टली क्या दे दिया उसने, फॉर्मूला दे दिया। उसका डेरिवेशन आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी हम लोग को दिया नहीं तो हम लोग वहां नहीं जाते। एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या होते बच्चे लोग, मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और अभी आपको सब पता है f, v और u क्या होता है। f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है चलो। और एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। किसका फॉर्मूला होता है चलो देखो, कि इमेज जो बनती है वो कभी ऑब्जेक्ट के बराबर बनती है, कभी ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, कभी ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनती है। तो वो कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। कि इमेज बड़ी बनी है या छोटी बनी है कौन बताता है आपको, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 या फिर -v/u। इनका रेशियो ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन। एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि इस h2/h1 की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। किससे बड़ी आती है, 1 से बड़ी। 1 से बड़ा कब आता है, दो चीज को डिवाइड करने पर आंसर 1 से बड़ा कब आता है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, तभी आंसर 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब h2 ज्यादा है और h1, h2 क्या है इमेज, h1 क्या है ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज बड़ी और ऑब्जेक्ट छोटा, मतलब अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी आई मतलब इमेज बड़ी बनी और ऑब्जेक्ट, अरे समझा कि अगर उल्टा कर दो 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटा कब होगा सर, जब h2 छोटा होगा h1 क्या होगा, तभी तो आंसर 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब इस केस में क्या होगा सर, इमेज छोटी और ऑब्जेक्ट, और अगर इसका आंसर 1 आ जाए मतलब दोनों सेम है तभी तो कैंसिल होके वाला है ना, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज आया ना भाई। और ये कौन सा केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। याद करो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तो इमेज भी कहां बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लिखे थे सेम एज ऑब्जेक्ट। याद आएगा नहीं, नहीं पक्का कैसे याद आएगी, फॉर्मूला याद हो जाएगा, दो ही फॉर्मूले 1/f = 1/v + 1/u और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 = -v/u। इसको लिख लो, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट।